हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी आज हम ज्योग्राफी की नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे इससे पहले हमने एक एनिमेशन वीडियो चेंज ऑफ सीजन पे अपलोड की थी और आज जो हम लाइन ऑफ लैटिट्यूड एंड जो है समझाएंगे देखिए इसे भी मैं एनिमेशन के थ्रू ही पहले समझाना चाहता था बट इसमें जो है आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो उससे मैंने इग्नोर कीजिए कर लिया है और जो है टाइम भी काफ़ी लगता है उसमें बनाने में ठीक है तो आज हम इसी को जो है वो कंटिन्यू करने वाले हैं तो अगर अभी तक आपने होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो होम अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे साथ जुड़िए ताकि आने वाली वीडियोस की जो है नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिलती रहे स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को ठीक है तो यहां पर हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे टॉपिक को देखिए लैटीच्यूड का मीनिंग क्या है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जैसे कि मेरे पास जो है ये हमारे पास ग्लोब है इस ग्लोब में सपोज मैं यहाँ पर हूँ और मैंने सपोज मैं जिस सिटी में रहता हूँ मैं वो यहाँ पर है लेट स्पोज सपोज आप इसे जो है कश्मीर मान लीजिए श्रीनगर सिटी मान लीजिए तो अगर मैं पूछता हूँ श्रीनगर सिटी की लोकेशन जो है वो क्या है तो आप क्या कहेंगे तो इसकी लोकेशन जो होगी वो कितनी होती है हम क्या कहते हैं थर्टी फोर डिग्री नॉर्थ और सेवेंटी फोर डिग्री ईस्ट होती है तो ये जो हमने कहा थर्टी फोर डिग्री नॉर्थ सेवेंटी फोर डिग्री ईस्ट ये क्या चीज है ठीक है इसे समझे तो हमें किसी भी अगर पार्टिकुलर पॉइंट की जो है पिन पॉइंट करनी हो लोकेशन सपोज यहाँ पर करनी है यहाँ पर करनी यहाँ पर तो उसके लिए हमारे पास कुछ लाइंस का यूज किया जाता है और उन लाइंस को हम लेटीच्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कहते हैं तो हम कह सकते हैं लाइंस ऑफ लेटीच्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है ये हमारी मदद करती है टू आंसर अ की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन जो हमारे की ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है जैसे कि वेयर आई एम तो हमारा मेन क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का यही होता है कि हम किस सिटी में हैं कहां पर खड़े हुए इस जगह की लोकेशन क्या है तो ये जो है इसे ये जो है वो सॉल्व करता है तो जानेंगे हम इसी के बारे में स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो व्हाट आर द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड तो आज की वीडियो में हम पहले पढ़ेंगे लैटीच्यूड के बारे में ठीक है <coughs> तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए और उस अच्छे से अच्छा कंटेंट जो है वो लेके आए आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले हम इसे कंप्लीट करते हैं तो देखिए लाइंस ऑफ लैटीच्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो रेफर करते हैं ग्रिड सिस्टम तो यहां पर आपने एक वर्ड पढ़ा ग्रिड सिस्टम तो पहले तो हम यही जानेंगे ये ग्रिड सिस्टम जो है वो क्या होता है ठीक है देख लीजिए ये हमने देखी कुछ लाइंस जो है वो ऐसे हैं ऊपर से नीचे की तरफ है और कुछ लाइंस जो है वो इस तरीके से है और ये जो बॉक्सेस बना रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं ग्रिड सिस्टम जब भी आपने देखा होगा अगर आप आ, कुछ सॉफ्टवेयर के यूज किए होंगे आर के जिस जैसे सॉफ्टवेयर है या जोग्राफी से जहां पर हम जो है किसी भी जगह के मैप बनाते हैं तो वहाँ पर देखे होंगे कि आपने किस तरीके से हम ग्रिड सिस्टम वहाँ पर दिखता है वही मैंने यहाँ पर जो है दिखाने की कोशिश की है कि ग्रिड सिस्टम क्या होता है तो लाइंस ऑफ लेटीच्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो है वो रेफर करता है उसी ग्रिड सिस्टम को ही ये रेफर करता है और ये कौन सी लाइन होती है ये इमेजिनरी लाइन्स होती है हमने एक ग्लोब मान लिया कि ये हमारी जो है अर्थ है और ये इसका ग्लोब है तो यहाँ पर जो ग्लोब है तो हमने इससे क्या माना कि इस पे जो लाइंस है ये इमेजिनरी लाइंस है तो दो किस्म की लाइन होगी एक इसमें लैटिट्यूड होगी और जो कि ऐसे हॉरिजेंटल लाइंस है इन हॉरिजेंटल लाइंस को जो है हम लैटिट्यूड कहेंगे और दूसरी लाइंस हमारे पास वर्टिकल में होगी इस तरीके से लाइन्स होगी जिसे हम क्या कहेंगे लॉन्गिट्यूड कहेंगे ठीक है तो देखिए तो पैरलर ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म एन इनविजिबल विजिबल ग्रेट तो हमने देखा पैरलर ऑफ लैटिट्यूड ये है हमारे पास तो इसके जो भी पैरलर होंगे ठीक है और लॉन्गिट्यूड और उसके मेरिडियन ये जो होगा मेरिडियन 90 डिग्री पे तो ये जो है वो क्या बनाते हैं ये इनविजिबल ग्रिड बनाते हैं कहाँ पर बनाते हैं अर्थ की सरफेस पे जो है ये बनाते हैं ठीक है और ये ग्रिड क्या हमें जो है किस में मदद करता है ये असिस्ट किस में हमें करता है पिन पॉइंटिंग द लोकेशन पिन पॉइंट करने में लोकेशन ऑफ द अर्थ विद ग्रेट Earth की लोकेशन को करने में विद ग्रेटर ये हमारी मदद करते हैं ठीक है तो इसे हम आगे चलते हैं तो देखिए हर किसी प्लेस का अपना जो होगा वो यूनिक ग्रिड लोकेशन होगा इस प्लेस में देखेंगे इसका अपना ग्रिड लोकेशन होगा यहाँ पर अपना होगा यहां पर अपना होगा यहाँ पर अपना होगा तो कहने का मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो सिटीज होगी हर किसी सिटी का अपना ग्रिड लोकेशन होगा इवन सिटी में जो है अगर हम देखेंगे हर किसी मोहल्ले का अपना होगा तो सिंपल सा कहेंगे कि हर किसी लोकेशन का अपना जो होगा वो ग्रिड सिस्टम होगा जिनको हम एक्सप्रेस करते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट से

सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि ये हमें क्या बताती है ये लैटीच्यूड ये हमारे पास इक्वेटर है जो कि अर्थ को नॉर्थ में और साउथ में जो है वो डिवाइड कर रहा है तो हमें जो लाइंस ऑफ लैटीच्यूड है वो क्या बताती है दे टेल वेदर द प्लेस इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न और द साउर्न हेमिस्फीयर क्या प्लेस जो है वो सऊदर्न हेमिस्फीयर में है या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे कि हमने बात की थी अभी जे अगर श्रीनगर की सपोज मैं करता हूँ तो श्रीनगर जो होगा वो थर्टी फोर डिग्री नॉर्थ होगा तो वो क्या बताता है कि वो नॉर्थ में है ठीक है तो ये आप याद रखेंगे फिर हम बात करेंगे लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड की लाइंस ऑफ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड हमें क्या बताते हैं दे आर द वर्टिकल लाइन्स ये क्या होती है ये वर्टिकल लाइन्स होती है सपोज ये हमारे पास लाइन्स है ये वर्टिकल लाइन्स है दे इंडिकेट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन ए प्लेस इज तो हमें क्या बताती है कितनी दूर जो है ईस्ट और वेस्ट जो है वो जो है कोई भी प्लेस है तो ये हमारा जो जो था सॉरी तो देख लीजिए जो नॉर्थ है और साउथ में जो है वो लैटीच्यूड ने उसे डिवाइड कर दिया और जो लॉन्गिट्यूड होती है वो उसे ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड करती है तो हम इसे ईस्ट मान लेंगे ठीक है और इसे हम जो है वो West मान लेंगे तो जैसे कि मैंने कहा श्रीनगर यहां पर है तो हम इसे मानेंगे 34 डिग्री नॉर्थ और जो है 74 डिग्री ईस्ट तो इस तरीके से हम जो है लेटीच्यूड और लॉन्गिट्यूड की मदद से जो है हम जो है किसी भी जगह की लोकेशन को पिन पॉइंट कर सकते हैं ठीक है तो हम आई होप जो है इतना आपको क्लियर हो गया होगा बिल्कुल बेसिक तो अब हम जो है आगे पढ़ेंगे इक्वेटर के बारे में देख लीजिए अब हमने ग्लोब को कुछ इस तरीके से बनाया तो आपको यह रेड लाइन दिख रही होगी ये वाली लाइन दिख रही होगी कि ये इक्वेटर की लाइन है और आप यहाँ पर देखेंगे ये जो इक्वेटर की लाइन है इस पे एंगल जो होगा वो कितना होगा एंगल जो होगा वो सॉरी वो जीरो डिग्री होगा यहाँ पर आप देखेंगे जीरो डिग्री होगा तो इक्वेटर क्या चीज होती है इक्वेटर जो होता है वो लेटीट्यूड लाइन होती है क्या होती है लेटीट्यूड लाइन होती है तो जीरो डिग्री जो होगा वो इसका क्या होगा वो एंगल होगा तो अगर हम देखेंगे नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर वो कौन सा एरिया होगा नॉर्दर्न हेमिसर होगा तो आपने देखा ये नॉर्दर्न हेमिसपियर होगा ये वाला नॉर्दर्न हेमिसफियर होगा और साउथ ऑफ इक्वेटर देखेंगे तो वो सदर्न हेमिसफियर होगा तो ये वाला हमारे पास सदर्न हेमिसफेयर होगा आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका जो है ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होगा यहां पर आप देखेंगे साउथ अमेरिका होगा ये सदर्न हेमिसफेयर में होगा तो लाइंस जो होती है लेटीच्यूड की वो क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन को क्या करती है जो लाइंस जो होती है लेटीच्यूड की वो क्रॉस करती है प्राइम मेरिडियन को जो कि एक लॉन्गिट्यूड लाइन है एट 90 नाइनटी डिग्री एंगल सपोज ये हमारे पास जो है वो प्राइम मेरिडियन है ठीक है तो ये यह यहाँ पर जो है वो क्रॉस करेगी नाइनटी डिग्री एंगल पे जो है वो क्रॉस करेगी तो लाइन्स जो होती है लेटीच्यूड की ऑफ द सर्कल ऑफ द ग्लोब ठीक है वो किस डायरेक्शन में होती है अगर हम इसकी डायरेक्शन पूछेंगे तो वो ईस्ट से लेकर वेस्ट की तरफ चलती है इस बात को आप याद रखेंगे वो किस डायरेक्शन में चलती है ईस्ट से लेकर वेस्ट की डायरेक्शन में चलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कल को पूछा जा सकता है कि जो लेटीच्यूड की लाइन होती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है ईस्ट से वेस्ट होती है या वेस्ट से ईस्ट होती है तो आई होप जो है वो आप याद रखेंगे ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन होती है अब ये जो लाइन्स है आपने देखा ये इक्वेटर के जो है वो क्या है पैरलर है परपेंडिकुलर तो बिल्कुल हम देख सकते हैं ये इक्वेटर है और यहाँ पर एक और लाइन है ऊपर ऊपर फिर से एक और लाइन है है उससे ऊपर एक और है, और लाइन इसी तरीके से लाइनें जो है है वो चलती जा रही है. तो लाइंस जो होती है ऑफ की ये क्या होती है ये पैरलर होती है एज दे आर पैरलर टू द इक्वेटर इक्वेटर के पैरलर होती है एंड ए पार्ट ऑलवेज एट द सेम डिस्टेंस आप देखेंगे इनका जो डिस्टेंस होगा यहां से लेकर यहां तक यहाँ से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक आपस में दो लाइनों का डिस्टेंस भी जो है वो भी जो है वो बराबर होता है ठीक है याद रखेंगे इस बात को कि उसका डिस्टेंस भी जो है वो बराबर होता है तो लाइंस जो होती है ऑफ लैटीच्यूड मेजर क्या करती है इट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर इक्वेटर से लेकर नॉर्थ का डिस्टेंस और साउथ साउथ का डिस्टेंस जो है ये मेजर करती है ये हमें बताती है हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ ए पॉइंट लाइज फ्रॉम द इक्वेटर इक्वेटर से कितनी दूर जो है कोई नॉर्थ का पॉइंट लाइ करता है या कोई साउथ का पॉइंट जो है वो लाइ करता है ये हमें बताती है अब बात करती है एडवांस कंसेप्ट है ऐसे तो पढ़ाया नहीं जाता है कि इन दो लाइनों का जो है वो बीच का डिस्टेंस कितना होता है डिस्टेंस बिटवीन डिग्रीज अगर हम डिग्री की बात करेंगे बिटवीन द डिग्री लाइंस जो है इनके बीच में जैसे कि ये जीरो डिग्री है इसके ऊपर टेन डिग्री हो गया फिर ट्वेंटी डिग्री होगा तो इन एक एक डिग्री जो है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है तो so याद रखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन द डिग्री लाइन इज अबाउट सिक्सटी माइल्स कितना होता है सिक्सटी माइल्स होता है मतलब इनके अंदर का जो डिस्टेंस होता है 110 किलोमीटर होता है जो डिग्री होती है इट इक्वल्स टू द 60 मिनट किसके बराबर होती है 60 मिनट के बराबर होती है तो एक डिग्री जो होगी वो 60 मिनट के बराबर होगी और हम जानते हैं कि एक मिनट जो होगा वो 60 सेकंड्स के बराबर होता है तो अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं अभी हम इसे कंक्लूड करेंगे नीचे हम इस पैराग्राफ में नीचे कंक्लूड करेंगे हमने देखा जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है उसका जो लैटिट्यूड होता है वो जीरो डिग्री इक्वेटर से शुरू होता है और नाइन्टी डिग्री नॉर्थ तक जाता है यहां तक ये नाइन्टी डिग्री यहां पर नॉर्थ है तो ये नॉर्थ पोल तक जाता है तो जहां पर नाइन्टी डिग्री नॉर्थ होगा तो वो नाइन्टी डिग्री वो नॉर्थ पोल होगा फिर हमने देखा Southern Hemisphere. Southern Hemisphere का जो लैटिट्यूड होगा वो जीरो मतलब से होगा कहां तक होगा नाइन्टी डिग्री साउथ तक होगा तो अब इधर कहीं नीचे जो होगा वो साउथ पोल होगा उसका भी एंगल कितना होगा नाइन्टी डिग्री एंगल होगा तो आप एक बात यहाँ पर नोट करेंगे क्या करेंगे नोट आप देखेंगे यहां पर जो लैटिट्यूड की लाइन है यहां से यहां तक ये और इक्वेटर पे इक्वेटर पे जीरो डिग्री थी बट इसकी लेंथ जो थी वो सबसे ज्यादा थी ऊपर हम पहुंचे तो वो कम होती गई और ऊपर जाएंगे कम होती जाएगी और ऊपर जाएंगे कम, जाएं, कम तो लास्ट पे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो और कम होती जाएगी ठीक है तो आप देखेंगे जो ये होती है पोल की तरफ जैसे ही हम जाते हैं ठीक है ये शॉर्टेस्ट होती जाता है ये सर्कल जो होता है छोटा होती जाता है तो इस बात को अपन लिखेंगे गेट shorter towards the pole ये पोल की तरफ जाते हुए क्या हो जाती है shorter हो जाती है विद ओनली इक्वेटर द लॉन्गेस्ट सिर्फ इक्वेटर जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है और इसी वजह से हम इक्वेटर को क्या कहते हैं हम इक्वेटर को कहते हैं ग्रेट सर्कल क्या कहते हैं हम इक्वेटर को ग्रेट सर्कल कहते हैं जैसे-जैसे हम पोल की तरफ जाते हैं ये shorter होने लगता है अब हम कुछ सिग्निफिकेंट लाइंस देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इंपॉर्टेंट है तो कौन कौन सी जो है वो सिग्निफिकेंट लाइंस है लेटीट्यूड के एरिया में पहली इक्वेटर है जो कि हमने देखा इक्वेटर जीरो डिग्री पे होगा फिर इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे इसमें एक और इंपॉर्टेंट लाइन होती है वो क्या होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये यहाँ पर जो लाइन होगी ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगी ट्वेंटी जो है थर्टी डिग्री नॉर्थ होगा ये एंगल आप याद रखेंगे फिर बात आती है ट्रॉपिक ऑफ कैपरिकॉर्न की जो कितना होगा ट्वेंटी थ्री डिग्री और थर्टी साउथ होगा फिर इसमें कुछ और सर्कल्स आते हैं इंपॉर्टेंट ये तो हमारे ऊपर लाइंस हो गई फिर नीचे कुछ सर्कल्स की बात करेंगे एक सर्कल आता है आर्कटिक सर्कल आर्कटिक सर्कल जो होगा वो सिक्सटी सिक्स पॉइंट थर्टी डिग्री जो है वो नॉर्थ में होगा किस में होगा नॉर्थ में तो यहाँ पर जो है वो आर्कटिक सर्कल बनाते हैं और फिर दूसरा सर्कल आता है अंटार्कटिक शिखर जो कि साउथ में होगा 66.3 डिग्री साउथ में होगा फिर हमारे पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल आते हैं नॉर्थ पोल जो होगा वो बिल्कुल यहां पर होगा और साउथ पोल जो होगा यहां पर होगा नाइन्टी डिग्री पे होगा जो कि मैंने आपको अच्छे से दिखाया भी है ठीक है अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जोन्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए पढ़ने का तभी फ़ायदा है जब आपके एग्जामिनेशन में जो है वो चीज़ें आए नहीं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं अगर यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो आपको बहुत डिटेल में चीज़ों को पढ़ना है अगर आप वही पढ़ना चाहते हैं क्या बोलते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी ने वीडियो के बाहर लिख दिया या कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ना चाहते हैं तो वो मैं यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ मैं कोई भी टॉपिक होगा वो डिटेल में ही पढ़ाता हूँ ठीक है जितने भी बच्चे रहे बट डिटेल में ही पढ़ाया जाता है तो जैसे अब यहाँ पर हमारे पास कुछ जोन्स है जैसे पहला जोन होगा आप देखेंगे ये एक इंपॉर्टेंट जोन है यहाँ पर फ्रिज जोन कहा जाता है फिर हमारे पास नॉर्थ टेम्परेट जोन आता है फिर हमारे पास जो है वो टोरिड जोन आता है ये नॉर्थ में आते हैं इसी तरीके से साउथ में हमारे पास जो होता है वो साउथ टोरिड जोन आता है यहाँ पर जो होगा फ्रिज जोन भी आता है इसी तरीके से जो है हम इन जोन्स को जो है अब जो है एक्सप्लेन करेंगे ठीक है स्टार्ट करते हैं फिर फ्रिज जोन के बारे में फ्रिज जोन जो होता है आप सबसे पहले फिगर में देखेंगे ये जोन जो होता है वो फ्रिज जोन जो होता है वो ये कहलाता है फ्रिज जोन तो फ्रिज जोन जो होता है नॉर्थ फ्रिज जोन भी होता है और साउथ में भी ये पड़ता है जिसे हम साउथ फ्रिज जोन देखे दे कहेंगे ये वाला साउथ वाला साउथ फ्रिज जोन होगा नॉर्थ वाला जो होगा वो नॉर्थ फ्रिज जोन होगा अब पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में कि नॉर्थ फ्रिज जोन जो है और साउथ फ्रिज जोन जो है वो किसके बीच में लाई करता है तो आप याद रखेंगे नॉर्थ फ्रिज जोन नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई करेगा और सिमिलरली साउथ फ्रिज जोन जो होगा वो साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में जो है वो लाई करेगा तो इंपॉर्टेंट है याद रख लेंगे आप टेम्परेट जोन की बात करेंगे तो टेम्परेट जोन जो है यहाँ पर हमारे पास दूसरे नंबर पे आता है टेम्परेट जोन एक नॉर्थ में टेम्परेट जोन होगा एक साउथ में होगा तो नॉर्थ वाला जो टेम्परेट जोन होगा और साउथ वाला जो है वो टेम्परेट जोन होगा तो नॉर्थ टेम्परेट जोन जो लाई करेगा बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल किस किस के बीच में या लाई करेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में लाई करेगा ठीक है फिर साउथ टेम्परेट जोन जो होगा वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करेगा ये देखेंगे तो नॉर्थ वाला हमने देखा ये आर्कटिक सर्कल के बीच में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के, के बीच में लाई करता है फिर हमने देखा साउथ वाला जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और जो है वो अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई करता है तो ये इंपॉर्टेंट है फिर हम बात करेंगे टोरिड जोन के बारे में टोरिड जोन आल्सो नोन एज द ट्रॉपिक्स क्या कहा जाता है इसे ट्रॉपिक्स कहा जाता है टोरिड जोन को इट लाइज बिटवीन द आप देखेंगे जो टोरिड जोन है जी यहां पर हमारे पास टोरिड जोन है ये किस किस के बीच में लाइक करेगा बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा और ये हमारे पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है इनके बीच में लाइन करेगा आप देखेंगे यहीं पर जो है वो इक्वेटर भी होता है ठीक है बट हम ये नहीं कहेंगे कि इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करेगा जो सही होगा वो ये होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ के बीच में लाई करता है।, ये है इसके अंदर कुछ और जोन भी आते हैं जो कि नॉर्थ टोरिड जोन होते हैं ठीक है, है क्योंकि टोरिड जोन में जो नॉर्थ वाला होगा मैं आपको सही से बताऊंगा ठीक है किसी दिन हम डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ेंगे ना तो उस दिन जो है अच्छे से हम और पढ़ेंगे ठीक है आज जो है उतनी डिटेल में हम पढ़ नहीं रहे हैं एक मिनट यह हमारे पास टोरिड जोन होगा तो जब हम इसे नॉर्थ टोरिड जोन कहेंगे जब तब ये इक्वेटर और ट्रॉपिक ट्रॉपिकॉफ कैप्रिकॉन के बीच में लाई करेगा जिसे हम नॉर्थ टोरिट जोन कहेंगे फिर अगर हम इसे टोरिड जोन कहेंगे साउथ टोरिट जोन तो जो होगा ये ऑफ कैप्रिकॉन और इक्वेटर के बीच में लाई करेगा बट अगर हम इसे खाली जो है वो टोरिट जोन या ट्रॉपिक कह रहे हैं तो इसके लिए सही जो वर्ड होगा ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न और एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, के बीच में जो है लाई करेगा सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखिए जो आपके पास जो है एमसीक्यू यही पूछे जाएंगे कि कौन सा जोन कहां पर लाई करता है तो एंगल पूछा जाएगा ये जो है मैंने आपको समअप किया हुआ है इक्वेटर 0 डिग्री होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.30 डिग्री होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिक कितना होगा आर्कटिक सर्कल एंटार्टिकर सर्कल यही सारी चीजें जो है आपके एम में जो है वो पूछी जाती है जब हम मॉक टेस्ट जो है वो लेंगे ठीक है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे जो क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे वो जो है वो उसमें जो है वो ऐड करेंगे ठीक है आप देखेंगे इस इस इससे भी जो है आपका क्वेश्चन आया था अभी जेके एस एस भी क्लास फोर्थ में भी आ, हम प्राइम मेरिडियन से बेसिकली रिलेटेड था कि कौन कौन सी लाइन जो है वो इमेजनरी लाइन था या कुछ ऐसा क्वेश्चन था

मेरे पास जो है वो ग्राफिक टैब नहीं है इस तरीके से मेरी लाइनें सारी टेढ़ी हो जाती है जो भी मैं देता हूँ तो इक्वेटर जो है ये फोर्टी थाउजेंड जीरो किलोमीटर लॉन्ग होगा ठीक है ये पूरा जो इक्वेटर होगा याद रखेंगे फोर्टी थाउजेंड सेवेंटी फाइव किलोमीटर लॉन्ग होगा तो अगर माइल्स में पूछा जाता है तो चौबीस हजार नौ सौ एक माइल्स होगा तो इक्वेटर जो है वो डिवाइड क्या करता है ये नॉर्थ को और ये साउथ को डिवाइड करता है अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर ऑन द इक्वेटर जो है वो सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एट नून नून में दोपहर के टाइम जो होता है सन जो होता है वो डायरेक्टली ओवरहेड होता है ठीक है ऑन टू इक्विनोक्स जो हम एनिमेशन के थ्रू आपको पहले ही दिखा चुके हैं कि 21 जून को जो है एक इक्विनोक्स बनता है और 21 दिसंबर को ये दो इक्विनोक्स बनते हैं तो लोकेशन जो है नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर हैव लैटिट्यूड बिटवीन जो है यहाँ पर जीरो से लेकर नाइन्टी डिग्री तक होगा और इसी तरीके से साउथ वाला जीरो से लेकर जो होगा वो भी नाइनटी डिग्री तक होगा तो ऑन द इक्वेटर जे जो डे जो होता है आपको मैंने कहा इक्वेटर के दिन जो है इसमें इक्विनॉक्स इक्वीनॉक्स बनतेवी का मतलब समझ लीजिए इक्वल तो यहाँ पर जो लेंथ होगी डे एंड नाइट की वो इक्वल होगी तो आप याद रखेंगे जो डे होगा इज ऑलवेज ट्वेल्व आवर्स लॉन्ग और जो नाइट होगी वो भी ट्वेल्व आवर्स जो है वो लॉन्ग होगी उम्मीद करता हूं कि यहां तक अभी जब आपको बातें जो है वो बिल्कुल क्लियर होती जा रही होगी काफी टॉपिक जो है काफी जो है वो लंबा है मैं उतनी डिटेल में नहीं चाहूंगा मेन मेन ही आपके आपके साथ डिस्कस करूंगा किसी और दिन जो है मौका मिला तो इसे हम अच्छे से पढ़ेंगे देख लीजिए फिर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड जो है एट द ट्रॉपिक्स तो हमने दो सिग्निफिकेंट लाइन पढ़ी एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ी एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ी तो इसे देखेंगे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है पहली बात जो है ये क्या है एक इमेजिनरी लाइन है इमेजिनरी लाइन जो है वो लेटीच्यूड की है या लॉन्गी की है तो किसकी होगी लेटीच्यूड की होगी इसका एंगल कितना होगा कितना एंगल बनाता है 23.5 डिग्री नॉर्थ बनाता है ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर ठीक है अब इसके लिए अगला पॉइंट देखिए आपके पास मैंने इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन पढ़ाया था कि तो, किस किस स्टेट से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया से जो है पास होता है वो कितनी वो कितनी थी भी बताया था और ये भी बताया था जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि किस सिटी से जो है मतलब कैपिटल सिटी कौन सी है उन स्टेटों से से जहां पास होता है बट यहाँ पर हम कुछ देख रहे कुछ जो है इंपॉर्टेंट जो है सिटीज है देखो हम जो है वर्ल्ड लेवल पे इसे इस वक्त पढ़ रहे क्योंकि आपका टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी नहीं लिखा है सिलेबस में सिंपल जो है हवाई सिटी फिर अमेरिका है नॉर्दर्न अमेरिका है सहारा डिजर्ट एंड नियर इंडिया में जो मेजर सिटी है कोलकाता जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है क्या आप जानते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो ज्यादा सिटीज से पास होता है बनिस्बत ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से अगर हम ऑफ कैप्रिकॉन की बात करेंगे तो ये भी एक एमिचर लाइन है ये भी लैटीट्यूड से ही बनती है और ये, जो ये भी 23.5 डिग्री जो है एंगल बनाती है बट इन द साउथ ऑफ द इक्वेटर इक्वेटर के साउथ में बनाती है यहाँ पर नॉर्थ में बनाती है और यहाँ पर साउथ में बनाती है ये कहाँ से पास होती है पास मेनली थ्रू द वाटर ये ठीक है मेनली थ्रू द वाटर बट क्रॉसिस थ्रो और इट्स नियर प्लेसेस लाइक इटली से जो है इटली की सिटी रियो डी जेनेरियो से पास होती है ब्राज़ील से पास होती है मदागा से और ऑस्ट्रेलिया से जो है वो पास होती है और ज्यादातर समंदरों के आसपास से जो है वो पास होती है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लाइन्स के बारे में का कैंसर कैप्रिकॉन के बारे में पता चल गया होगा बढ़ते आगे इसमें जो है कुछ हम टर्म्स जो है वो आती है जैसे कि ट्रॉपिक्स है इसमें टोरिड जोन के बारे में अभी हमने बात की थी टोरिड जोन फिक्र में जब हम पढ़े थे कि टोरिड जोन क्या होता है इसके बारे में देखेंगे देखिए देखिए जो देखे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और, और हमने अभी समझा ठीक है इसमें आप देखेंगे जो एरिया जो है साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हमने देखा था कि बीच में सपोज ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इसका जो साउथ का एरिया है तो एरिया ऑफ द साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर

यहाँ पर क्या होता है जो क्लाइमेट होता है अगर हम क्लाइमेट की बात करेंगे वो बहुत ही वार्म होता है जो है कॉन्सिस्टेंटली पूरे साल जो है वो सन जो होता है वो इसके जो है वो अपना एंगल बना के रखता है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर काफी गर्मी रहती है तो देखिये जब सन जो होता है वेन इट इज समर समर के वक्त जो होता है साउथ और हाँ ट्रॉपिका कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जब साउथ में जब समर होता है यहाँ पर जब समर होता है तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो होगा यहाँ पर क्या होगा विंटर होगा ठीक है यहाँ पर विंटर होगा या इसका उल्टा हो सकता है अगर यहाँ पर समर है वहां विंटर यहाँ पर विंटर है वहां समर होगा इस तरीके से जो है वो पॉइंट्स होंगे अब बात है कि आपको याद कैसे रखनी है ट्रिक आप देखेंगे देखिए देखें, आपको डिक्शनरी तो देखनी आती है डिक्शनरी में पहले कैंसर आता है फिर वर्ड कैप्रिकॉर्न आता है तो यहां पर आप याद रखेंगे नॉर्थ जो है पहले आता है और नॉर्थ में जो है ऑफ कैंसर होगा और साउथ में जो होगा ट्रॉपिका कैपनिंग होगा तो उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आप जो है भूलेंगे नहीं कभी गलती नहीं करेंगे ठीक है अब आगे चलते हैं आर्कटिक सर्कल को भी पढ़ लेते हैं अंटार्कटिक सर्कल को भी पढ़ लेते हैं आर्कटिक सर्कल की अगर मैं बात करता हूं ठीक है ये हमने देखा ये हमारे नॉर्थ में बनता है और ये एंगल जो बनाता है 60 डिग्री के आसपास जो है वो एंगल बनाता है ये लैटीट्यूड से बनता है क्योंकि अभी तक हम सिर्फ लैटीट्यूड लाइन ही पढ़ रहे हैं लॉन्गिट्यूड को अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया ठीक है बट इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है देखिए हमने आपको पढ़ाया था जून 21 और दिसंबर 22 का कि यहाँ पर क्या होता है आर्किटिक सर्कल में जो सन होता है इट डज नॉट कंप्लीटली सेट पूरी तरीके से ग्रुप भी नहीं होता है और जो है राइज भी नहीं होता है पूरे तरीके से दो डेट्स है 21, 21 और इक्कीस और 22 दिसंबर की ये दो डेट्स है इंपॉर्टेंट है जून 21 को सन जो है वो कंप्लीटली सेट सेट नहीं होता आर्किटिक सर्कल में और जो है 22 दिसंबर को कंप्लीटली राइज भी नहीं होता है तो यहाँ पर आर्किटिक सर्कल में कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो एनिमल्स जो है वो मिलते हैं जिनमें हमारे पास जो है पोलर बियर्स आते हैं ठीक है, है मुस्का ऑक्स आती है पोलर ठीक है पोलर रीजन के ही कुछ एनिमल्स है जो आप पढ़ेंगे अपनी एनवायरमेंट में भी तो ये पाए जाते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के पोलर अपोजिट हम कह सकते हैं इनको यहाँ पर जो एवरेज टेम्परेचर होता है एट द नॉर्थ पोल इज हाइस्ट नॉर्थ पोल में जो है इससे जो है टेम्परेचर जो है वो हाइस्ट रहता है ठीक है तो ये आप इसे एक मिनट देख लीजिए फिर हम देखेंगे अंटार्कटिक सर्कल के बारे में देखिए आप जो आपने अभी यहां पर पढ़ा, पढ़ा आर्कटिक सर्कल में जो है सन जो है कंप्लीटली सेट नहीं होता इक्कीस जून को इसका अपोजिट जो है पढ़ेंगे जो है अंटार्कटिक सर्कल में ठीक है जो यहाँ पर क्या होता है टिक सर्कल में इसका उल्टा होता है देखिए यहाँ पर 21 जून को सेट नहीं होता है बट यहाँ पर जो होगा दिसंबर 21, बाईस को सेट नहीं होगा यहाँ पर जो है राइज बाईस दिसंबर को नहीं होता है यहाँ पर राइज जून 21 और 22 को नहीं होता है इसका उल्टा होगा तो ये जो है सेपरेट करता है साउथ जो है फ्रिज जोन को मतलब पोलर रीजन को फ्रॉम द साउथ टेम्परेट जोन तो ये आप याद रखेंगे

देखो उतनी जो है डार्क नहीं है बट मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली लाइन ये दिखा रहा है आर्कटिक ये एंटार्कटिक सर्कल और यहाँ पर दिखाएगा आर्कटिक सर्कल जो कि आर्टिक ओशन के आस पास, पास होगा तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके से जो है वो काफी जो है चीजें क्लियर हो गई होगी बहुत अच्छी डायग्राम है अच्छे से यहाँ पर आपको विजिबल है अब हम बात करते हैं नॉर्थ पोल, पोल की और साउथ पोल की नॉर्थ पोल की अगर हम बात करेंगे आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पता होना चाहिए कि नॉर्थ पोल में जो है लैंड नहीं होती ठीक है बिल्कुल भी लैंड नहीं होती और उसके जो नीरेस्ट लैंड है अगर हम कोई नीरेस्ट लैंड मानेंगे तो सेवन माइल्स अवे है नॉर्थ पोल से लेकिन यहाँ पर जो भी है वो कवर्ड है थिक लायर से आइस की मतलब यहाँ पर सिर्फ जो है हमें आइस मिलती है जो कि छह से नौ फिट थिक होती है तो अगर आप नॉर्थ पोल में कहीं भी जो है खड़े होंगे सपोज आप किसी भी डायरेक्शन में खड़े होंगे नॉर्थ पोल में तो आपको वहां से जो भी डायरेक्शन दिखेगी वो साउथ की ही डायरेक्शन होगी क्योंकि आपने देखा है ग्लोब देखा जब हम ऐसे बनाते हैं ठीक है यहां पर अगर आप खड़े हैं कहीं यहां पर तो यहां पर जो है वो आपको जो है वो साउथ की ही डायरेक्शन दिखेगी बिल्कुल ठीक है तो आप देखेंगे ऑल द लाइंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड मीट एट द नॉर्थ पोल आपने ये भी देखा कि हमारा जो ग्लोब था यहाँ पर जो भी लाइंस थी वो लॉन्गीट की इस तरीके से इस तरीके से ठीक है इस तरीके से इस तरीके से वो सारी की सारी जो है वो कहाँ पर मिलती थी आकर यहीं पर मिलती थी ठीक है एक यहाँ पर मिलती थी नॉर्थ पोल में और यहाँ पर मिलती थी साउथ पोल में ठीक है ये भी आप याद रखेंगे ठीक है जो लॉन्गिट्यूड की लाइन जब हम पढ़ेंगे हमने देखा कि लेटीच्यूड की जो है सर्कल जो है कम कम होती जाता था नॉर्थ पोल पर और 90 डिग्री हो जाता था बट लेकी जो लॉन्गिट्यूड का जो है वो सेम रहता है तो यहाँ पर देखेंगे ड्यूरिंग द दे समर द सन इज ऑलवेज अप यहाँ पर सन जो है हमेशा जो है अप रहता है ठीक है और सन जो है राइज करता है मार्च में और सेट होता है सितंबर में एट द नॉर्थ पोल तो यहाँ पर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो होता है वो डिफरेंट होता है ट्रू नॉर्थ पोल बेसिकली अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो नॉर्थ पोल भी जो होता है इसमें भी तीन पॉइंट्स पढ़ने होते हैं आपको एक हमने पढ़ना होता है ट्रू नॉर्थ पोल ट्रू नॉर्थ पोल जो कि आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशंस के लिए यूज होता है फिर आप जैसे कि फिजिक्स में पढ़ते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल आपने कंपास देखा होगा शिप्स में कंपास का यूज किया जाता है अगर आपके पास क्वेश्चन बहुत डिटेल में आएंगे मुझे तो लगता नहीं है कि आएंगे तो आप देखेंगे पूछा जा सकता है कि किस मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे बेस है वो कंपास ट्रू नॉर्थ पोल पे है या किसी और नॉर्थ पोल पे है तो उसका करेक्ट आंसर मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे होगा आप फिजिक्स में पढ़ते हैं ना मैग्नेटिक चैप्टर जब पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट वहां पर आप नॉर्थ और साउथ पोल पढ़ते हैं कि मैग्नेट की मैग्नेट के दो एंड होते हैं नॉर्थ और साउथ वहां पर हम कभी मैग्नेट का ईस्ट और वेस्ट नहीं पढ़ते हैं ठीक है तो उसके लिए क्या रीजन है क्या है वो कभी फिजिक्स की वीडियो में जाएंगे अभी तो ज्योग्राफी चल रही है तो मैं उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा तो फिर हम साउथ पोल को देखेंगे तो साउथ पोल भी इसका उल्टा होगा नॉर्थ पोल में हमने देखा कि यहाँ पर जो है सिर्फ वाटर ही होता है ठीक है आइस होती है छः से साठ नौ फीट तक और साउथ पोल में डिजर्ट क्लाइमेट होता है यहाँ पर ह्यूमिडिटी जो होती है वो जीरो होती है यहाँ पर हाई विंड्स चलती रहती है और यही विंड्स जो है कभी कभी स्नोफॉल भी ब्लो करा देती है यहाँ पर स्नो जो है वो जमती है ठीक है फिर तो बहुत कम बीस सेंटीमीटर जो है मतलब एक साल में जमती है तो बट यहाँ का जो हाइस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है वो सेवन डिग्री ये भी आखिर एक पोलर रीजन ही है ठीक है तो इट ऑलमोस्ट नेवर गेट्स डिग्री डिग्री कभी भी से जो है ऊपर नहीं गया और अगर हम सेंटीग्रेड में बात कर रहे हैं ठीक है अब यहां पर कंफ्यूज नहीं होना और यहाँ पर हम फेर में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम जो है सेवन फेर जो होता है माइनस डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे इंपॉर्टेंट बात है कि साउथ पोल में जो विंटर होती है ना विंटर वो जो है मार्च से लेकर सितंबर तक चलती है और इसमें पूरे साल मार्च से लेकर सितंबर तक जो है वो डार्क रहता है बिल्कुल अंधेरा रहता है तो इतनी बड़ी विंटर चलती है साउथ पोल में क्या होता है मार्च से लेकर सितंबर तक बिल्कुल डार्क रहता है और जब समर आता है तो 24 घंटे लाइट होती है ठीक है फिर अंधेरा ही नहीं होता है फिर पूरे चौबीस घंटे जो है वो सन रहता है ठीक है बेशक लो रहता है जो भी उसकी इंटेंसिटी होगी बट पूरे जो है वो चौबीस घंटे जो है वो रहेगा बाकी के टाइम में तो इतना जो है मेरे ख्याल में आपके लिए जो है वो जानना जो है वो काफी है थोड़ा सा मैं जो है पोल्स का डिस्कस कर लेता हूँ मे बी कहीं पूछा जाते हैं जाए आपको तो देखो थ्री नॉर्थ होते हैं हमारे पास ये आपने जो नॉर्थ पोल देखा एक आपने नॉर्थ पोल पढ़ा इससे आप फिर आपने यहाँ पर देखा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल हो गया एक हमारे पास ग्रिड नॉर्थ होता है ठीक है ये तीन नॉर्थ होंगे पहला ज्योग्राफिकल नॉर्थ होगा ठीक है जिसे हम ट्रू जो है जिसे हम ट्रू नॉर्थ भी कहते हैं फिर हम ग्रिड नॉर्थ देखेंगे फिर मैग्नेटिक नॉर्थ देखेंगे ट्रू नॉर्थ क्या होता है दिस इज द पॉइंट एट दिच द अर्थ रोटेट वी कॉल इट द नॉर्थ पोल जिस पॉइंट पे जो है अर्थ जो हमारी ये रोटेट करती है ठीक है तो ये हमारा जो है होगा वो ट्रू नॉर्थ होगा और इसे हम जियोग्राफिकल नॉर्थ भी कहेंगे नॉर्थ पोल पे रोटेट करेगी ग्रिड नॉर्थ क्या होता है जैसे हम जानते हैं हमने क्या माना जो अर्थ है एक स्पियर है समर्थ को स्पेयर मानते हैं, ठीक है? इसकी जो भी शेप है, एलिप्टिकल है, बट हम इसे एक जो है, जो है ओवल है, है, जो हम इसे क्या मानते हैं कि एक स्पेयर है? तो हम जो है इसे फ्लैट मैप जो है, हम इसे फ्लैट मैप नहीं बना सकते। सो so, जो नॉर्थ होगा ऑन द ग्रिड ये जो होगा इज इन स्लाइटली डिफरेंट लोकेशन ऑन ईच में तो जिसकी वजह से जो ग्रिड हम बनाते हैं ग्रिड में जो होता है वो नॉर्थ जो है वो सपोज यहाँ पर था यहाँ से जो है वो थोड़ा सा डेविट हो जाता है यहाँ पर आ जाता है क्योंकि हम इसे टू डी में दिखाना चाहते हैं फिर मैग्नेटिक नॉर्थ की बात करेंगे जैसे कि हम मैंने पहले बोला था कम्पास पॉइंट जो होता है उसमें हम मैग्नेटिक नॉर्थ की बात कर देंगे ठीक है जो हमारा कम्पास पॉइंट आउट करता है और ये भी हर साल जो है वो चेंज हो है मैग्नेटिक जो नॉर्थ होता है ये स्लाइटली जो हर साल जो है वो चेंज होता है क्योंकि मैग्नेटिक जो है जो लाइंस होती है इट जो है वो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है तो ये भी रोटेशन पे ही बेसिकली जो है वो डिपेंड करेगा तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतना जो है हमने आज जो है वो लेटीच्यूड जो है वो कंप्लीट किया आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है हमारी ये कोशिश हमारी ये काविश आपको पसंद आती है तो इस बात का इजहार कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारे फेसबुक से जुड़िए ताकि हम उसमें आपके लिए क्विजिज लेके आए जुड़ते ही नहीं इतना कहने के बाद भी इंस्टाग्राम पे जुड़िए टेलीग्राम से जुड़िए ठीक है नोट्सों के लिए जो है आपको मैंने कहा हुआ है हमारी ब्लॉग वेबसाइट पे विजिट कीजिए डब्ल्यू अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एक बात मैं आपको बिल्कुल जो है गारंटी के साथ कहता हूँ जो भी हमारी वीडियोजों को फॉलो करेगा पूरे अच्छे तरीके से नोट करेगा तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं जो आपके एग्जामिनेशन पेपर में आए और हमने यहाँ पर डिस्कस ना किया हो कुछ हम जो है इसमें पॉइंट्स ऐसे रहते, रहते हैं जो एम में अपने मॉक टेस्ट में जो है वो अटेम्प्ट कराएंगे इम्पोर्टेंट रहते हैं ठीक है जो मुझे लगता है कि वो आ सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं ठीक है अभी जैसे हम स्विक्स की एक सीरीज चलाई हुई थी उसमें काफ़ी कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है रखे हुए जो कि हमने टेस्ट के लिए जो है खास कर रखे हैं कि हम उसी में जो है उन्हें जो है वो कम्प्लीट करेंगे काफ़ी आर्टिकल्स है या वो उसके अलावा जैसे कि आप जानते हैं आज जो है असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जामिनेशन हुआ है माइग्रेंट्स के लिए उनका पेपर जो है जो है मेरे पास क्वेश्चन तो पहुंचे हुए हैं बट टाइम नहीं मिलता है कि मैं वो आपके लिए लेके आऊं उसका वो एनालिसिस क्या तरीके के क्वेश्चन है ये बट एक बात मैं आपको कह दूं जो हम फिज़िक्स अभी हमने सिविक्स में पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन नहीं गया हुआ है ठीक है आप जो है बिल्कुल जो है अगर टाइम मिलता है तो मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो उसमें आपको ट्रस्ट ही बस रखना है बाकी जो है आप वीडियोसों को शेयर कीजिए ठीक है अगर अच्छी लगती है थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट